उत्तराखंड का जो राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, अगर आपके आगे अभी हरीश रावत सरकार के ऊपर जो संकट चल रहा है उसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें लोगों को सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, ना ही इसमें कोई शॉकिंग चीज़ है। अगर हम उत्तराखंड का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि जब से 2000 में उत्तराखंड बना था तब से लेके अभी तक अस्थिरता के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं है। 2000 में पहला मुख्यमंत्री बनते हैं नित्यानंद स्वामी, एक साल बाद उनको बीजेपी के ही भगत सिंह कोश्यारी गिरा के अपनी खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर जब 2002 में चुनाव होते हैं, एनडी तिवारी जी के आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, और एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तभी से हरीश रावत उसमें उनके कट्टर विरोधी थे। आज हरीश रावत जो अपना सिंपथी लेके घूम रहे हैं, 2004 के टाइम में 2002 की इलेक्शन के बाद से वो अपने एनडी तिवारी सरकार को गिराने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। 2002 से ही आप देखते हो कांग्रेस में अपनी अंदरूनी गुटबाजी शुरू हो जाती है। सतपाल महाराज और एनडी तिवारी का अपना कुनबा बन जाता है, हरीश रावत के अपने चेले चपाटे बन जाते हैं। यही बात भाजपा की रही है। 2007 में भाजपा की कहते हैं खंडूरी साहब इलेक्शन में जीतते हैं, दो साल बाद रमेश पोखरियाल निशंक उन्हीं की पार्टी के उनको हटा के खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं षड्यंत्र के तहत। फिर क्या होता है देखिए, आप 2012 में जब चुनाव होता है फिर से, क्योंकि निशंक के ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, सबसे बड़ा उसमें कहते हैं कुंभ मेला के ऊपर जो घोटाला हुआ था उसके ऊपर चर्चाएं होने लगी, तो फिर डिफेंसिव मोड में आके अपने भाजपा को के कहते हैं खंडूरी साहब को फिर से उनकी एक साफ सुथरी छवि का इलेक्टोरल फायदा उठाने के लिए आप उनको ले आए। फिर क्या होता है 2012 में इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस फिर सत्ता में आती है। कांग्रेस सत्ता में आती है इस बार भी हरीश रावत को वोट मुख्यमंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना थी, पर ऐन मौके में विजय बहुगुणा अपना पारिवारिक और अपने पिताजी की और अपनी बहन रीता बहुना का समर्थन और उनके कहते हैं जो भी इनकी पॉलिटिकल लेगेसी है और गांधी परिवार के करीब जो भी रहते थे उसके कारण फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। केदारनाथ डिजास्टर होता है 2014 की इलेक्शन से जस्ट पहले, हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ताजुब बात यह होगी जब विजय बहुगुणा 2012 में अपना शपथ ले रहे थे देहरादून में, उस समय कांग्रेस के करीब 18 से 20 विधायक दिल्ली में हरीश रावत का समर्थन कर रहे थे। वहाँ विधानसभा में उनके कहते हैं शपथ समारोह में देहरादून के शपथ समारोह में सम्मिलित नहीं थे, बल्कि उनका विरोध कर रहे थे हरीश रावत के ग्रुप के साथ मिलकर। अब जब हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय सतपाल महाराज जो उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो खुद 18 से 20 विधायक कांग्रेस विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रहे थे, बोल रहे कि हम मुख्यमंत्री बनाए जाने चाहिए। कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने जाके बीजेपी से मिल गया। जो अभी का प्रेजेंट प्रॉब्लम जो चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं पर ये देखा जाता है कि जो विजय बहुग्रह वर्ग और जो सतपाल महाराज के करीबी लोग थे उन्होंने ही ये सब पूरा रचा है, क्योंकि अमृता रावत जो हैं सतपाल महाराज की वाइफ हैं और सतपाल महाराज की के बाकी जो चहेते कांग्रेस एमएलएस थे उन्होंने हमेशा किसी न किसी तरह से हरीश रावत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इसमें ठीक है जो भी बात है ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में, बट हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हरीश रावत को हम कोई ऐसा सिंपथी वोट ना दे दें कि उनके साथ ही सब कुछ अन्याय रहे, क्योंकि जब अपने अपने टाइम में उन्होंने भी यही किया है। विजय बहुगुणा को गिराने में उन्होंने किया, एनडी तिवारी के साथ उन्होंने ये किया, और सेम आप कहते हैं बीजेपी के साथ कह लो, बीजेपी में भी निशंक से लेके पोखरिया निशंक से लेके खंडूरी जी से लेके आपके कोश्यारी से लेके सब ने ये किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उत्तराखंड से नहीं बनते हैं, वो विधानसभा से चुन के नहीं आते हैं, वो सीधे दिल्ली से संसद से उठा के ला दिए जाते हैं। आप देखें पूरे उत्तराखंड के इतिहास में केवल एनडी तिवारी और निशंक ही सीधे विधानसभा से चुन के आए थे, बाकी सभी को दिल्ली से पैराशूट किया गया और फिर उनको बाय इलेक्शन के थ्रू जिताया गया। आप कहते हैं खंडूरी साहब को देख लो, आप विजय बहुगुणा को देख लो, आप हरीश रावत को, इन लोगों ने कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, पहले ये उसमें सांसद थे या दिल्ली से करीबी रखते थे, वहाँ से उनको पैराशूट करके उत्तराखंड में ला दिया गया और फिर एक बाय इलेक्शन के तहत ये किया गया। तो ये राजनीतिक अस्थिरता इस बात से भी झलकती है कि 15 साल हो गए हैं राज्य बने हुए, 8 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 15 साल में जब 8 बार मुख्यमंत्री बदल जाए जिस प्रदेश का, वहाँ क्या विकास होगा? तो यही सब है हमारे उत्तराखंड की देवभूमि और गैरसैंण जैसे मुद्दों को बीच बीच में जुमले की तरह उठा के जनता का
ध्यान भटकाने की कोशिश करना ये उत्तराखंड की राजनीति का अहम हिस्सा बन गया। जब भी कोई नया मुद्दा निकलता है, कोई करप्शन का चार्ज आता है, कुछ भी केस होता है, गैरसैंण की ढाल में वहाँ पर तंबू खड़ा करके आप विधानसभा सत्र कर देते हो और भूली भाली जनता को की भावनाओं का फुटबॉल की तरह एक कोने से दूसरे कोने में कर देते हो। उत्तराखंड की जनता को देखने को क्या मिलता है, बस अपने हाशिए पर वो रोते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी अखबारों में तस्वीर, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखने को मिलता।